रामबन में आज हम ऐसी एक ऐसी जगह पर आपको ले चलते हैं जहाँ पे आज से दो दो साल पहले से जो है वो फ्लेवर का काम चल रहा था, लेकिन अभी तक जो है वो कंप्लीट कितना जबरदस्त फ्लेवर बनने जा रहा है और यहाँ से ये फ्लेवर बनेगा कहाँ तक कंप्लीट होने के बाद ये वन ऑफ द बेस्ट खूबसूरत फ्लेवर बनने वाला है पूरे जम्मू कश्मीर के नेशनल हाईवे में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सोहेल अर्शिद जम्मू कश्मीर से और आप देख रहे हैं सोहेल अर्शिद यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। अभी जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मैं अभी रोड में हूँ, ये जो रोड है अपने गांव का रोड है। कल के टाइम में तुम्हारे भाई की जो लोकेशन है वो है कुछ इस तरह की लोकेशन के पास, और यहाँ से जब हम नीचे की तरफ नज़र मारते हैं ना NH44 की तरफ, वो माशाल्लाह गाइस व्यू देखो कितना प्यारा आ रहा है यहाँ से नीचे की तरफ, ये देख लो भाई। व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो भाई साहब अभी के टाइम में भाई तुम्हारा निकल पड़ा यहाँ से नीचे, आप देख रहे होंगे कि रामसू नजर आ रहा है। भाई तुम्हारे को जाना है फिलहाल के टाइम पे रामसू, और उम्मीद है कि आज का दिन में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। हमारे जम्मू कश्मीर में जो है NH44 का काम चल रहा है, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का काम चल रहा है, और वही डिस्ट्रिक्ट जो है डिस्ट्रिक्ट रामबन है जिसमें काम चल रहा है। और डिस्ट्रिक्ट रामबन में आज हम ऐसी एक ऐसी जगह पर आपको ले चलते हैं जहाँ पे आज से दो दो साल पहले से जो है वो फ्लेवर का काम चल रहा था, लेकिन अभी तक जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ था और आज भी अभी कंप्लीट नहीं है। बट लास्ट के एक साल से बहुत स्लो काम चल रहा है, जैसे लास्ट ईयर था और लास्ट मैंने 30 दिन पहले व्लॉग डाला था या 1 महीने पहले 2 महीने पहले व्लॉग डाला था, तो वो सेम ही सिचुएशन थी। तो चलिए भाई आज हम ले चलते हैं आपको उस फ्लेवर की तरफ, वो फ्लेवर जो है वो रामसू और मगरकोट के बीच में है, बहुत प्यारा फ्लेवर बनने वाला है। तो चलिए गाइस तब तक के लिए चलते हैं हम नीचे, और तब तक के लिए आपने करना कुछ नहीं है, बस सब्सक्राइब कर देना है। आपका एक सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट जो है हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए गाइस देखना क्या है, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो और साथ में जो है एक प्यारा सा कमेंट भी कर दो, और कमेंट बॉक्स में यह भी बता दो कि आप साहब जो है वो अभी का व्लॉग जो है वो कहाँ से देख रहे हैं। तो दोस्तों फिलहाल के टाइम में मैं पूछा हूँ कुछ यहाँ पे और यहाँ से जो नजर दौड़ा रहा हूँ नीचे की तरफ, तो नीचे नजर आ रहा है इस तरह का, देख रहे होंगे कि ये हाईएस्ट ब्रिज है और हाईएस्ट ब्रिज से आगे जो है फ्लेवर बन रहा है, उसी फ्लेवर के पास हम आज ले चलते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ से मैं दिखा दूँ कि हाईएस्ट ब्रिज के साथ में जो है टनल नंबर 5 है, और उसके साथ में दूसरे टनल का काम जो चल रहा है, और वहाँ से आगे नजर आ रहा है वो पेंथियाल वाला एरिया है। ये देख लो भाई, भैया फाइनली सीन होश ही गया था यार, यहाँ पे ना स्लिप निकला भाई तुम्हारे को, यहाँ से देख पा रहे हो नीचे, वही हो शुक्र है यार भाई तुम्हारे को ऊपर वाले ने बचा लिया यार, वरना बहुत खतरनाक स्लिप हुआ था। देखो ना क्या हो गया भाई, पूरा बैग मिट्टी से, बैग के ऊपर पूरी मिट्टी आई, लेकिन चलिए भाई तुम्हारा बच गया तो उसी में काफ़ी है, ये आप सब की दुआ के कारण, नहीं तो आज जो है वो काम तमाम हो गया था तुम्हारे भाई का। तो अभी के टाइम में भाई तुम्हारा पहुंचा इस तरह की लोकेशन के पास, जिस फ्लेवर की मैं बात करने वाला था वो फ्लेवर जो है वो ये रहा गाइस, देख लो देख लो गाइस कितना ज़बरदस्त फ्लेवर बनने जा रहा है, और यहाँ से ये फ्लेवर बनेगा कहाँ तक, पूरा आगे जहाँ हाईएस्ट ब्रिज नज़र आ रहा है वहाँ से धूप है इसलिए शायद क्लियर नहीं आ रहा होगा। तो वैसे अभी के टाइम में जो है ट्रैफिक मूवमेंट चल रही है दोनों साइड से, अभी गाड़ियाँ चल रही है, ट्रैफिक नॉर्मल मूवमेंट है, पैसेंजर गाड़ियाँ अभी चल रही है, कोई बड़ी हैवी गाड़ी अभी तक नज़र नहीं आ रही है मेरे को। लेकिन चलिए फिलहाल मैं बात कर रहा था इस वाले फ्लेवर की, ये देख लो गाइस यहाँ से ना आगे चेक मारो, पूरा वहाँ से आगे गार्डर्स का काम जो है वो स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट करा था लास्ट के बहुत टाइम पहले ना यार, लास्ट शायद मैंने 2 महीने पहले व्लॉग बनाया था तब ना कुछ भी नहीं गार्डर्स का काम स्टार्ट करा था, और लास्ट एक साल से ना खाली पिलर्स खड़े किए हुए थे और बाकी काम नहीं चल रहा था। बट आज के दिन यहाँ पे आगे गार्डर्स का काम चल रहा है, आगे आगे वाली साइड पे गार्डर्स डाल रहे हैं, जो कि ये रामसू वाली साइड है, रामसू वाली साइड से ये मगरकोट की तरफ गार्डर्स डालने का काम है, और साथ में पीछे पीछे जो है वो स्लैब डालने का काम भी स्टार्ट है। ये देख लो पहले वाले स्टेप पे जो है वो स्लैब हो गया है, अब दूसरे वाले स्टेप पे काम चल रहा है, ये चेक मारो गाइस यहाँ पे। तो गार्डर्स जब यहाँ से कम्प्लीट हो जाएंगे वहाँ से आगे तक, तो उसके बाद साथ साथ में इसका जो है वो स्लैब का काम भी चल रहा है। तो दोस्तों फाइनली अभी के टाइम में जो है वो भाई तुम्हारा पहुँच गया है NH44 पे नेशनल हाईवे पे, लेकिन भाई एक बात बताओ ना यार, यहाँ से भाई तुम्हारा है ऊपर से इस वाली साइड से मत पूछो कितना खतरनाक रास्ता है, कितना डेंजर रास्ता था यार, लाइफ में पहली बार मैंने इतना खतरनाक रास्ता देखा यार, कैसे कैसे आया यार मत पूछो, मुश्किल से पहुँचा मैं यहाँ पे, वहाँ से भी आ सकता था बट ना फ्लेवर का व्यू जो है वो ऊपर से लाना था यार, ऊपर से लाने के लिए ना मेरे को आना पड़ा यहाँ से, नहीं तो
वरना यार किसी को इतनी मजबूरी नहीं है कि यहाँ से आ सके यार। ये देख लो गाइस, यहाँ पे रामसू का व्यू है और फिलहाल चलता हूँ मैं वहाँ पे उस वाली साइड पे और वहाँ से दिखाता हूँ कि इस साइड कैसा दिखता है। ओह दोस्तों ये देख लो, पहला वाला ये सेटअप है जिसके ऊपर मैंने बताया था कि स्लैब भी डाल के है, और अच्छी बात यह है कि स्लैब के साथ साथ जो है वो साइडों का काम भी चल रहा है, पाथ का काम जो है वो स्लैब के साथ साथ चल रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। सॉरी गाइस यहाँ से नहीं दिखा पा रहा हूँ, बट यहाँ से ना धूप उस वाली साइड से इसलिए क्लियर नज़र नहीं आ रहा है। चलिए फिलहाल जो अगली वाली वहाँ पे जाएंगे, वो वाली साइड पे जाएंगे और वहाँ से दिखाएंगे दोनों साइड। फाइनली दोस्तों अभी के टाइम में भाई तुम्हारा आ गया इस वाली साइड पे, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं वहाँ पे जाऊँगा, लेकिन उसके बाद मैं थोड़ी देर ना आराम से चले गया, थोड़ा सा काम था तो काम होके आया वापस, अभी पैदल आया वहाँ से। अब मैंने सोचा पैदल चलूँगा और अपने तमाम दोस्तों को बताते चलूँगा कि ये देख लो गाइस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये फ्लाईओवर, वो देखो गाइस वहाँ से फर्स्ट वाले ऊपर के, जैसे कि मैंने पहले बताया पहले वाले ऊपर के स्लैब उसके ऊपर डाल दिया गया है, और यहाँ से आगे जो है ये अभी काम चल रहा है, गार्डर्स डालने का काम भी चल रहा है जो कि यहाँ पे पहुँचा है इस वाले साइड। ये देख लो दोस्तों यहाँ पे सिंगल साइड का गार्डर जो है वो डाल दिया गया है, सिंगल वाले साइड का यहाँ तक जो है डबल गार्डर्स डाल दिए गए हैं, और यहाँ से अभी सिंगल गार्डर्स का काम चल रहा है। एक लाइन जो है वो वहाँ से रहेगी और दूसरी लाइन जो है वो यहाँ से रहेगी, वहाँ से जो सीधा डायरेक्ट आएगा और यहाँ यहाँ के ऊपर से सीधा जाएगा आगे। यहाँ पे थोड़ा वी शेप टाइप का बनेगा, इस टाइप का बनेगा, अपोजिट मान लो आप वी टाइप का बनेगा, और वहाँ से आगे एक ही रहेगा, कहाँ तक आगे तक, और आगे से जो है फिर से जो है दो दो शेप दो लाइनें अलग निकल जाएंगे। यहाँ पे जो है एक दो तीन चार पाँच छः पिलर पे जो है एक ही लाइन रहेगी उसके ऊपर, इसीलिए जो पिलर्स हैं मोटे मोटे बनाएंगे। चलो दोस्तों अभी के टाइम में मशीन यहाँ पर है और आप इस साइड वालों को चढ़ाएंगे, यहाँ तक चढ़ा दिया है सिंगल सिंगल, और अब यहाँ से जो है आगे को चढ़ाएंगे यहाँ से इस वाले साइड पर, और यहाँ से आगे जो कुछ है ना पिलर्स एक दो तीन चार पाँच छः पिलर जो है जिनके ऊपर से अभी ये कैप जो है ना कैप ऊपर वाली ये अभी भी नहीं लगाई गई है। और आप लोग कमेंट करके बताना कि आपका क्या अंदाज़ा है कि और भी कितना टाइम लगने वाला है। मेरे हिसाब से तो भाई बहुत ज़्यादा टाइम अभी भी लगने वाला है, क्योंकि इनके ऊपर से अभी कैप बनानी है, जब तक इनके ऊपर से कैप बनाएंगे तब तक जो है यहाँ तक लगभग स्लैब मत हो जाएगा जिस तरह से आज काम चल रहा है। लास्ट आने वाले 15-20 दिनों से काम चल रहा है, और ये वाले जो पिलर बना के ना ये गाइस कम से कम 1.5 साल से बना के ऐसे ही पड़े थे, लेकिन आज लास्ट एक महीने से जो है वो इसके ऊपर से वर्क जो है वो चल रहा है अभी। और यहाँ पे दोस्तों देख लो गार्डर्स जो है वो तैयार हैं, लेकिन जो है वो केप का काम पेंडिंग है। ये देख लो इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, उसके ऊपर भी, और उस वाले के ऊपर भी, और ये देख लो इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी, इनके ऊपर अभी कैप का काम पेंडिंग है, इसलिए इनके ऊपर और भी बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, और भी 6 महीने हो सके तो लगभग 1 साल भी लगने वाला है, क्योंकि काम जो है काफ़ी स्लो चल रहा था, अभी के टाइम में कुछ थोड़ा सा ना तेज़ी लगाई गई है और जिसके कारण जो है वो आज काम चल रहा है। तो बाकी आगे का ये इस तरह से है, वहाँ से आगे कैप कम्प्लीट है हाईएस्ट ब्रिज की तरफ, और हाईएस्ट ब्रिज से आगे कम्प्लीट ही है। दुआओं में ज़रूर भाई अपने को याद रखेगा, वैसे आज रोज़े चल रहे हैं तो इसलिए जो बहुत सारे बंदे कमेंट कर रहे थे कि सोहेल भाई आप ना यार यहाँ पे ही जा रहे हो, यहाँ पे ही बना रहे हो, जैसे कि आप सबको पता था कि पहले मैं बनाता था बहुत जगहों पे जाता, लेकिन ना जब से रोज़े स्टार्ट हुए उसके बाद ना मैं कहीं दूर नहीं जा सकता हूँ यार, इसलिए मैं आज भी पैदल आया आप सब के लिए। मैंने सोचा चलिए आज पैदल चलते हैं और अपने दोस्तों को बताते चले कि क्या है भाई, बस फिर एक ही बात करनी है आपने, सब्सक्राइब करने हैं जितना जल्दी हो सके ना, 10K करवा दो यार। और ये देख लो भाई अपोजिट की ऐसा सीन है, देख रहे हो ना भाई क्या दिख रहा है। और बात करेंगे अगर ओल्ड वाले रोड की, तो ओल्ड रोड ये रहा, इस साइड का ओल्ड रोड रहा, लेकिन भाई गर्दा, हालांकि मैं 1 किलोमीटर टोटल पैदल आया, ज़्यादा भी नहीं आया 1 किलोमीटर ओनली, लेकिन उस 1 किलोमीटर में भी गर्दे से ऐसी हालात होगी, ऐसी तबाही होगी ना मत पूछो कि कितनी गर्दे से क्या क्या हो गया। ये देख लो भाई पहचान, हालाँकि जो मैंने ब्लैक ट्रोज़र लगा के रखी थी तो अभी के टाइम में जो है वो वाइट हो गई है गर्दे से, उतना ज़्यादा गर्दा है। और अभी के टाइम में जो है इस वाले कैप का काम जो है वो स्टार्ट है, लेबर लोग अभी भी काम कर रही है। एक बार फिर से सल्यूट इनके लिए कि इन सब की बदौलत ये सब हो पा रहा है, लेकिन फिर से बताऊं कि थोड़ा सा कंपनी का जो है वो स्लो काम चल रहा है, शायद यहाँ पे कौन सी कंपनी सिग्गल है शायद आई थिंक, लेकिन बट काम स्लो चल रहा है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में शायद ये कम्प्लीट हो जाएगा, और कम्प्लीट होने के बाद ये वन ऑफ द ज़बरदस्त यानी बेस्ट मान लो आप, बेस्ट फ्लेवर बनने वाला और खूबसूरत फ्लेवर बनने वाला है पूरे जम्मू कश्मीर के नेशनल हाईवे में। चलिए जब बन जाएगा तब आप भी इंजॉय करेंगे और हम भी इंजॉय करेंगे। दोस्तों अभी मौसम जो है वो मौसम भी अभी सुहाना हो गया है, बादल आ चुके हैं, तो चलिए अभी जा रहे हैं हम मगरकोट की तरफ, और उम्मीद करते हैं कि आज का प्यारा और छोटा सा व्लॉग जो है वो आपको बहुत पसंद आया होगा।
अगर वो व्लॉग किसी भी रीजन से अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक और दिन और एक और व्लॉग के साथ, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।